देखिए, आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल को चल रहे हैं। आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा प्लीज, है ना। देखिए, ये न्यूमेरिकल में क्या है, ये ऑलरेडी आ रखा है आपके आईआईटी जेईई एडवांस में। ये जो भी आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, आप उसे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ रखे हैं। क्या ये क्वेश्चन कहता है, जरा आप प्लीज देखिए। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, टेबल ले लीजिए या कोई सरफेस ले लीजिए, दो मास, दोनों सेम मास है। सपोज कीजिए ये एम है, ये भी एम है, दोनों सेम मास है और वो दोनों एक हल्का थ्रेड से जुड़ा हुआ है, लाइट थ्रेड से। मतलब थ्रेड हल्का है एज कंपेयर टू टू मासेस, जो मास कनेक्टेड है थ्रेड, जो मास कनेक्टेड है थ्रेड से। अब बीच से फोर्स लगा के मैं खींच रहा हूं और इस तरह से खींच रहा हूं कि ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉल है, ये जो मास है, दोनों वो ऐसे ही मोशन कर रहे हैं, है ना। मतलब वो सरफेस को नहीं छोड़ रहे हैं। मैं ऐसे खींच रहा हूं ना कि ये टेबल पर ही ऊपर नहीं जा रहे, वो सरफेस टेबल का नहीं छोड़ रहे, वो जस्ट ऐसे जा रहे हैं। ओके, तो हमको हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्सेलरेशन। कब निकालना है आपको एक्सेलरेशन, जब दोनों दोनों ब्लॉक के बीच में कितना गैप हो जाए। इनिशियल गैप क्या था, इनिशियल वाज टू स्मॉल ए, टू ए, और आफ्टर पुलिंग अप आप थ्रेड से कांस्टेंट फोर्स से खींचिए, थ्रेड के मिडल से यहां हुक लगा दीजिए या आप अपने पॉइंट से ऐसे खींचिए थ्रेड को। यू नीड टू पुल इन सच ए वे दैट बोथ ब्लॉक्स, बोथ बॉल्स नॉट लीविंग द सरफेस, है ना। अब आप ऐसे खींचिए तो ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। ओके, और आप एक बात रखिएगा, हॉरिजॉन्टल टेबल पर ही वो बना है, ठीक है। चलिए, तो ये इनिशियल डिस्टेंस कितना था, इनिशियल 2a था और फाइनल क्या हो गया, फाइनल 2x हो गया। तो जब 2x होगा तो इसके एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा। आप कुछ नाम दे दीजिए ए डैश, आप कुछ नाम दे दीजिए ए डैश। ओके ओके बच्चों, ओके जीनियस। तो चलते हैं हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ओके राइट, तो चलते हैं फर्स्ट मेथड। जब ये आईआईटी एडवांस में जब ये रिलीज हुआ था, या आप उसको कह सकते हैं जो पास्ट ईयर्स के आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन आते थे, उसमें जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने इंस्टेंटली इसको टू मेथड से सॉल्व किया था। अब तो वो दोनों मेथड्स मैं सॉल्व कर रहा हूं। ओके, प्लीज देखिए, तो हम चलते हैं फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड किससे चले, न्यूटन्स लॉ से चलते हैं। तो चलिए, इस पी पॉइंट को लीजिए, थ्रेड के जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं ना, उसके पी पॉइंट को। तो चलिए, उसके पी पॉइंट को लीजिए और ऐसे थ्रेड कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। और उस वक्त आप मान लीजिए कि उस वक्त क्या है, थीटा एंगल है, तो आप पी को कितना फोर्स से ऊपर खींच रहे हैं, एफ अप, फोर्स अप। और आप ये बताइए, जब आप इसको खींचेंगे तो ये थ्रेड तो टाइट है ना भैया, ये भी थ्रेड टाइट है भैया, तो ये थ्रेड ऐसे फोर्स लगाएगा। देखिए, जब आप थ्रेड को खींचेंगे तो दोनों हाथ आपके करीब आना चाहेंगे। ओके, तो एक फोर्स ऐसे लगेगा टी। ओके, नाउ प्लीज सी, ये भी फोर्स लगेगा ना टी, क्योंकि ये दोनों थ्रेड है, थ्रेड है, जब आप खींचेंगे तो थ्रेड वी शेप्ड हो जाएगा ना, तो ये टाइट है, ये टाइट है, तो टी टी। अब आप ये देखिए, ये पॉइंट मास है, टी जहां पर आपने फोर्स लगाया वो बहुत ही छोटा मास है, तो छोटा मास का कोई इनर्शिया, कोई मास, कोई एमजी नहीं होगा, तो आप सीधा ऐसे लिख दीजिए, एफ माइनस टी का इधर जो इफेक्ट कितना होगा, टी कॉस थीटा, जिससे थीटा जुड़ा हो, और टी कॉस थीटा, तो टोटल इफेक्ट कितना हो जाएगा, टू टी कॉस थीटा। और ये पी पॉइंट है, ऊपर से कितना से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से, तो मास ऑफ पी और एक्सेलरेशन ऑफ पी, तो मास ऑफ पी एक्सेलरेशन ऑफ पी, तो मास ऑफ पी क्या होगा भैया, जीरो, क्योंकि ये पी पॉइंट है एज कंपेयर टू दीज टू बिग बिग क्वांटिटीज, दिस टर्मिनेटेड टू जीरो, ये बहुत छोटा है, तो आप इसे हटा दीजिए। तो लीजिए, मैंने हटा दिया, तो एक इक्वेशन आपको क्या आ गया, एक इक्वेशन आपका ये आ गया फर्स्ट ऐसा। ओके, नाउ
अब इसको सॉल्व किया जाए, हमें क्या निकालनी है, हमें ए डैश निकालनी है एक्सेलरेशन, कि दोनों बॉल, हर एक बॉल कितना एक्सेलरेशन से आएगा। एक बार फिर, इनिशियल 2x सेपरेशन था, जब उसको खींच रहे थे तो कितना सेपरेशन आया, 2x। तो जब 2x आया तो ये जो बॉल है वो इस ओर कितना से एक्सेलरेट हो रहा होगा, पर सेकंड वेलोसिटी कितना से बढ़ा रहा होगा। चलिए, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। अब चलते हैं इसको, अब बॉल का फ्री बॉडी बना लीजिए आप। तो बॉल का इधर की ओर कितना लगेगा भाई, टी टेंशन, ऑफ कोर्स नीचे फिर अर्थ लगाएगी, पृथ्वी, और ऊपर कौन लगाएगा, सरफेस। आपको कुछ भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में, आपके एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ भाई, जिस वक्त एंगल थीटा हो, जिस वक्त एक्सेलरेशन ए डैश हो, उस वक्त बताओ टेबल कितना फोर्स लगा रहा होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनलेस नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे ऑन द फ्रिक्शनलेस सर्फेस, है ना। तो बहुत सारी चीज इससे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, है ना, तो इसको मैं अभी इस वैल्यूज को याद रखिएगा। एक इक्वेशन मैं यहां लिख देता हूं, एक इक्वेशन क्या गया, f इक्वल टू 2t cos थीटा। नाउ अब आगे देखिए, अब इसको देखिए, तो ये t का ऊपर की इफेक्ट कितना होगा, एक इक्वेशन हो जाएगा n प्लस टी कॉस थीटा इक्वल्स एम जी, और एक इधर की ओर कितना होगा टेंशन का इफेक्ट, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो टी साइन थीटा लिख दीजिए, मास ऑफ बॉल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल आपने क्या नाम दिया, ए डैश, बस ऐसा लिख दीजिए। अब टी की वैल्यू इसमें रखिए, इसमें रखिए प्लीज, इसमें टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू क्या थी, एफ बाय टू कॉस थीटा, ऐसे कर देंगे, और इधर होगा साइन थीटा इक्वल टू एम ए डैश। ना इसको मैं हटा रहा हूं, आपसे एन भी पूछा जा सकता है, आपका एग्जाम पूछ सकता है ना। तो आप एडेस निकालने को थे, तो एडेस कितना आएगा, एफ बाय टू मास इंटू टेन थीटा। तो आपके आंसर कितना होगा, एफ बाय टू एम, और टेन थीटा आप प्लीज देखिए, तो ये 2x है, आपका क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम में, दे देगा कि गैप 2x हो गया, तो ये x है, तो tan थीटा क्या होगा, थीटा सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आप ध्यान रखिए, ये आपका आंसर हो गया, यानी आंसर क्या हो गया जीनियस, f बाय 2m xy स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब आप ये देखिए, इस क्वेश्चन से मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये a डैश हो गया, हर ब्लॉक हर बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितना रिलेटिव अप्रोच होगा, रिलेटिव अप्रोच कितना होगा, तो रिलेटिव अप्रोच कैसे निकालेंगे, रिलेटिव अप्रोच ये ए डैश से जा रहा है, ये ए डैश से जा रहा है, तो दोनों कितना से करीब आएंगे, टू ए डैश से, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, तो ये तो रहा भाई साहब, ये तो रहा भाई साहब, ये फर्स्ट मेथड से हमने सॉल्व किया, ओके बच्चों। अब चलते हैं इसको सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं पिछले लंबे वर्षों से मैं इस टीचिंग फील्ड में हूं, और वेरी फर्स्ट जब मैंने क्वेश्चन हैंडल किया था तो ये दो मेथड से हैंडल किया था, एक्चुअली आई जस्ट रिट्रीटेड दिस थिंग्स, है ना, जस्ट पास बिफोर, मैं इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करता हूं, है ना, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको सेकंड मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना, या एनर्जी मेथड से। तो चलते हैं इसको एनर्जी मेथड से सॉल्व करते भैया, है ना। तो आप ये बताइए भाई साहब, वी आर कॉन्स्टेंटली पुलिंग विथ व्हाट मैग्नीट्यूड, एफ, हम लोग 20 से ये दोनों बॉल थ्रेड से जुड़ा हुआ है और हम 20 से एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो आप बताइए एनर्जी क्या होता है, मैकेनिक्स में एनर्जी किसको बोलते हैं, फोर्स डॉट एक्स को, किसको बोलते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एनर्जी। तो चलिए जीनियस, तो सेकंड मेथड चलते हैं, तो सेकंड मेथड क्या होगा, फोर्स डॉट, चलिए सेम है, ऊपर की ओर कितना डिस्प्लेस हुआ थ्रेड, है ना, कितना आपका हाथ ऊपर गया, तो मैंने फोर्स एफ लगाया और कितना हाथ ऊपर गया, तो कितना हाथ ऊपर गया, इतना। तो ये कैसे आप सॉल्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई साहब,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज वर्क डन। ये एनर्जी मैंने दिया, आप बात को समझिए, ये किसने दिया, मैंने प्रोवाइड किया भाई साहब। अब कौन कौन ले गया यार, तो ये देखिए, ये थ्रेड तो हल्का है, थ्रेड हल्का है तो वो एनर्जी नहीं लेगा, लगभग कम लेगा, या हटा दीजिए उसको, थ्रेड हल्का है तो कोई एनर्जी नहीं कंज्यूम करेगा थ्रेड, हाफ एम बी स्क्वायर मास जीरो तो एनर्जी जीरो, तो कौन अब लेगा भैया एनर्जी, तो एनर्जी ये दोनों ब्लॉक सी तो कंज्यूम करेंगे, लेंगे तो ब्लॉक कितना लेंगे, काइनेटिक लेगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर एक एक ब्लॉक ले लेगा, और दूसरा भी ब्लॉक या बॉल कुछ भी नाम दे दीजिए, है ना, कितना एनर्जी ले लेगा, हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब दोनों लेगा, एक एक ये लेगा हाफ एम बी स्क्वायर, एक ये लेगा हाफ एम बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए, तो एफ इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हाफ एम बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, फुल एम बी स्क्वायर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आप ये बताइए कौन कौन वेरिएबल है भैया, तो जब मोशन होगा तो भी वेरिएबल होगा, बदलेगा और एक्स बदलेगा, ए तो कॉन्स्टेंट है, ए वो ए क्या था, इनिशियल टू ए इनिशियल थ्रेड का लेंथ था, गैप था दो बॉल का, तो ए कॉन्स्टेंट है, एफ कॉन्स्टेंटली पुल कर रहा हूं मैं, तो ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, मतलब ये बदल रहा है और ये बदल रहा है, मतलब एक्स और भी वेरिएबल है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एफ एफ और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हाफ दिस हाफ माइनस वन, मीन्स कितना आ जाएगा जीनियस, अंडर रूट ये, ओके, और फिर इसके अंदर में चेन रूल लगा दीजिए, माइनस टू एक्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स क्या होगा, इक्वल्स बताइए, एम टू वी टीवी बाई डी टी। अब आप प्लीज इधर देखिए, टू से टू कैंसिल हो गए, वो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आया क्यों है, क्योंकि एक्स घटेगा, एक्स डिक्रीज करेगा ना, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, तो डीवी बाई डी टी पॉजिटिव आता जाएगा, और डीएक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, निगेटिव, इसी कारण आया, मैं मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लूंगा। चलिए तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये कितना आ जाएगा भैया, एफ इंटू डीएक्स बाई डी टी, तो डीएक्स बाई डी टी या तो इसका वेलोसिटी होगा या तो इसका होगा भाई, तो डीएक्स बाई डी टी मैग्नीट्यूड लिख लीजिए आप, है ना, तो डीएक्स बाई डी टी ये कैंसल्ड हो जाएंगे, माइनस डीएक्स बाई डी टी और वी कैंसल्ड हो गए, फिर आपके क्या कैंसल हो रहे हैं, टू से टू कैंसल हो रहे हैं, मतलब एफ बाई टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स एम डीवी बाई डी टी, ओके, ऐसा आपका आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर, तो देखिए डीवी बाई डी टी क्या आएगा, डीवी बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी आफ्टर सॉल्विंग यू गेट व्हाट, एफ बाई टू एम एफ बाई टू एम एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डीवी बाई डी टी क्या है भाई साहब, डीवी बाई डी टी है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ आइदर बॉल, या तो इसका या तो इसका, तो ये डीवी बाई डी टी क्या आप लिखेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा एक्सेलरेशन ए डैश, तो एक्सेलरेशन ए डैश कितना आ जाएगा, एफ बाई टू एम एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर है ना, तो आप ऐसे जा सकते हैं, है ना, ये देखिए एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूं इस क्वेश्चन को, एक टेबल पर दो बॉल एक हल्का थ्रेड से कनेक्टेड था और बीच से मैंने एक फोर्स से खींच रहा, तो जब इनिशियल टू ए गैप है और टू ए से जब टू एक्स गैप होगा तब आपका आप कितना ऊपर चले जाएंगे, आप समझ रहे हैं, यहां पर कॉन्स्टेंटली आप पुल कर रहे हैं, तो जब 2a से 2x गैप होगा तो 2x गैप के वक्त दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होंगे, तो आंसर क्या होंगे, इतना होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, अगर आपके एग्जाम पूछे तो ये 2 कर दीजिएगा 2a। और मतलब बहुत सारी चीज पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, है ना, ठीक है, देख लीजिए।